morning, student. As you know that we are studying narration, and this is the fifth lecture of narration. Today we are going to study about interrogative narration. There, your all rules will be same as we studied before. So let's begin now. Interrogative question. There are two types. First, start with helping verb, and second, start with WH verb. Let's begin from helping verb. Helping verb, you know that who does, is, am, are, was, where, has, had, will, shall, will be, shall have, will have, been, shall be. That question that begin with helping verb. तो क्या चेंजिंग होना चाहिए फर्स्ट? तो सबसे पहले जो चेंजिंग होता है वो क्या होता है? सेड या सेड टू, आस या इंक्वायर भी चेंज हो जाते हैं. दूसरा क्या है? हम लोग इफ या वेदर यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ दैट. कंजक्शन दैट को रिमूव कर देते हैं, उसके जगह पर इफ या वेदर लगाते हैं. थर्ड क्या है? ये हम जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता है उसको असर्टिव यानी साधारण बात बना देते हैं. लेट्स सी वन एग्जांपल. I said to him, are you happy? मैंने उनसे कहा कि आप खुश हो. क्या है? इससे पहले जो भी हम लोग ये this is the fifth lecture of narration, ये narration पांचवा lecture है. इससे पहले जो भी rule नियम थे कि pronoun change, tense change, वो सब same रहेंगे. सिर्फ इसमें क्या होगा? हम inverted comma के place पे क्या करेंगे? If या whether लगाएंगे. दोनों में से कोई भी हम लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, तो इसको हम लोग इंडायरेक्ट करते हैं. आई आस्क्ड हिम.
उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करेंगे, उसके स्थान पर क्या करेंगे, इफ या वेदर में कोई एक लेंगे, मान लीजिए हम इफ लेते हैं, इफ। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा जो सेंटेंस होगा वो एडजेक्टिव हो जाएगा, जो यहाँ आर यू हैप्पी, ये जो इंटरोगेटिव है इसको हम लोग क्या करेंगे, साधारण एडजेक्टिव सेंटेंस बना देंगे। आई आस्क हिम इफ यू सेकंड पर्सन है, वो किसके हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ये फॉर्मूला हमने हर लेक्चर में आपको दिया है, एस ओ एन अपॉन 1 2 3, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन को चेंज नहीं होगा। तो यहाँ यू क्या है, सेकंड पर्सन हिम के हिसाब से बदले क्या हो जाएगा, ही। अब रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारा है पास्ट टेंस में है, तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही वॉज हैप्पी, ठीक है। आई सेड टू हिम आर यू हैप्पी, आई आज, हमने सेड को क्या किया, सेड को आज में बदला, उसके बाद कंजंक्शन इफ का यूज किया इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद हमने क्या किया, जैसे आर यू हैप्पी, इंटरोगेटिव क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, एडजेक्टिव क्या होते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद अदर वर्ड आर ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। आई आस्क हिम इफ ही वाज हैप्पी, ही सेड टू मी डू यू लाइक मैंगो, सेम फॉर्मूला, सबसे पहले क्या करेंगे, सेड टू को हम क्या करेंगे, आस्क या इंक्वायर में चेंज करेंगे, इफ हमने क्या किया, इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पे इफ लगा दिया। अब उसके बाद डू यू लाइक मैंगो, क्या तुम आम पसंद करते हो, ये क्या है, प्रेजेंट इंडिफरेंट इंटरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से बनाया गया प्रेजेंट इंडिफरेंट का सेंटेंस है। तो हम सबसे पहले रूल क्या था कि हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के सबसे पहले हम करेंगे सेंटेंस जो है इसको एडजेक्टिव साधारण वर्ब बनाते हैं, तो क्या होगा, यू क्या है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ बदले के क्या हो जाएगा, आई। उसके बाद डू यू लाइक मैंगो, प्रेजेंट इंडिफिनिट है इसको हम लोग पास्ट इंडिफिनिट बनाएंगे, ठीक है, आई इफ आई। अब यहां पर क्या करेंगे, पास्ट इंडिफिनिट का, जब पास्ट इंडिफिनिट कहते हैं साधारण वाक्य जब बनाते हैं तो हम सिर्फ क्या करते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं, जैसे वो गया, ही वेंट, हमने क्या किया, सिर्फ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा दिया, क्या हो जाएगा, इफ आई लाइक मैंगो। एक एग्जांपल और देखते हैं, आई सेड टू हिम आर यू गोइंग देयर, तो क्या करेंगे, सबसे पहले
I asked him if you ऑब्जेक्ट के साथ बदलेगा क्या हो जाएगा ही, उसके बाद क्या करेंगे हेल्पिंग वर्ब असर्टिव सेंटेंस बनाना, साधारण वर्ब बनाना है, क्या हो जाएगा सब्जेक्ट उसके बाद ही वाज, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में हो जाएगा। इफ ही वाज गोइंग देयर, let's see interrogative with WH word, I said to him, who are you? अभी इससे पहले हम क्या करे, क्वेश्चन स्टार्ट द हेल्पिंग वर्ब से, तो हम क्या करते थे, हम इनवर्टेड कॉमा को रिमूव करते थे, इन प्लेस ऑफ इनवर्टेड कॉमा वी यूज इफ आर वेदर, बट इन डब्ल्यू एच व्हेन द सेंटेंस स्टार्ट विद डब्ल्यू एच वी डू नॉट यूज एनी कंजंक्शन, जस्ट पुट एज डब्ल्यू एच वर्ड। लेट्स सी, फॉर्मूला सेम रहेगा, सारे रूल पीछे की तरह ही रहेंगे। I asked him, अब इससे पहले हेल्पिंग वर्ब से जब हम लोग बनाते थे तो हम क्या करते थे, यहां पर इफ या वेदर लगा देते थे, मगर डब्ल्यू एच से जब होता है तो हम उसको एज इट इज लिख देते हैं, हु, मगर सेंटेंस हम क्या करते हैं वो हम सिंपल में बना देते हैं, एडजेक्टिव सेंटेंस बना देते हैं, तो हु आर यू, तो इसको हम लोग सिंपल बनाएंगे क्या हो जाएगा, जब इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड में रहता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में रहता है, हेल्पिंग वर्ब उसके बाद ऑब्जेक्ट, मगर जब हम सेंटेंस में साधारण बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब आता है, ठीक है, इसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस में बनाते हैं। लेट्स सी अनदर एग्जांपल, He said to me, when will you play? तो क्या हो जाएगा, He asked me when, उसके बाद क्या आएगा, when के बाद subject, you me के गाने बदलेगा object के हिसाब से, क्या हो जाएगा when I, उसके बाद क्या होगा हेल्पिंग वर्ब, व्हेन आई वुड प्ले,
नेक्स्ट है आई सेड टू हिम, मैंने उसे पूछा व्हाट्स योर नेम, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो क्या है फॉर्मल सो भाई ये आई आस्क्ड हिम, उसके बाद डब्ल्यू एच है तो हम कोई भी कंजंक्शन यूज नहीं करेंगे, एज इट इज डब्ल्यू एच का कोई भी वर्ड हुआ हम उसको लिख देंगे, आई आस्क्ड हिम व्हाट, अब उसके बाद हम क्या करेंगे व्हाट इज योर नेम, ये इंट्रोगेटिव, इसको हम क्या करेंगे सिंपल बना देंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सब्जेक्ट लिखेंगे योर, व्हाट इज योर नेम, तो यहां योर क्या है सेकंड पर्सन का पॉसेसिव, यानी यू योर सेकंड पर्सन पॉसेसिव क्या हो जाएगा, जब हिम के हिसाब से बदलेंगे क्या हो जाएगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे डब्ल्यू एच लिख देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे सब्जेक्ट लिखेंगे, यहाँ योर नेम है तो योर इसके हिसाब से बड़े चेंज हो गया, ऑब्जेक्ट हिसाब से हिम तो क्या हो जाएगा योर, और हिम का पॉसेसिव क्या हो जाएगा इज, व्हाट हिज नेम वाज, आई होप दैट यू क्लियर अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंस विद नरेशन, इफ यू लाइक आई होप दैट यू लाइक माई वीडियोस, लंबा ज्यादा हो गया।